रेगिस्तान में बसे राजस्थान में आसमान से आफत की बरसात होने से हर तरफ सैलाब की तस्वीरें आम हैं। टोंक से बूंदी तक सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में लोग जान जोखिम में डालकर डैम के पास मौज मस्ती करने में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। आसमानी आफत, शहर शहर सैलाब का सितम। सड़कों पर जल प्रहार, तिनके की तरह बहने लगी कार। मुसीबत मूसलाधार, सैलाब में बस भी बेबस। सड़कें बनी दरिया, नदी नालों में उफान। बाढ़ की विनाश लीला के आगे जिंदगी बेबस और लाचार। जब आसमान से आफत बरसती है तब रेगिस्तान में भी सैलाब आ जाता है। नदी नालों और डैम का पानी तांडव मचाने लगता है। रेगिस्तान में बसे राजस्थान के शहर शहर बाढ़ बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में सैलाब बनकर सितम ढाने लगता है। सैलाब के सितम की ये तस्वीरें टोंक की है। नदी नालों में उफान है और हर तरफ पानी का ही कब्जा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। टोडी सागर बांध पर 3.5 फुट की चादर चल रही है। इसी बीच तेज बहाव में रोडवेज बस बह गई है। गनीमत रही कि रोडवेज बस खाली थी। रेस्क्यू टीम ने सैलाब में बहे ड्राइवर को बचा लिया है। बाढ़ बारिश की विनाश लीला की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की है। पहाड़ों पर भारी बारिश होने से देखिए कैसे बूंदी के रिहायशी इलाकों के बीचों बीच उफान मारती नदी बहने लगी है। सदर इलाके में घर के दहलीज के बाहर बहते दरिया को देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। सड़कों पर पराठा भरने वाली कार तिनके की तरह बाढ़ के पानी में बहने लगी। बाढ़ बारिश की विनाश लीला के आगे इंसान और बेजुबान दोनों बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। बूंदी से आई एक और तस्वीर को देखिए। इस सैलाब में एक बेजुबान बह रहा है। पानी की धार इतनी तेज है कि बेजुबान सैलाब के पानी में बहता ही जा रहा है। लापरवाही की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है। भारी बारिश की वजह से कोरी बांध लबालब है, फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तस्वीरों में देखिए लोग जान जोखिम में डालकर हादसे को न्योता दे रहे हैं। डैम में पानी भरता जा रहा है और लोग जान की परवाह किए बगैर कोरी बांध में मौज मस्ती करने पहुंच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से कोरी बांध से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में हो रही आफत की बारिश से अजमेर की सड़कों पर दरिया बहने लगा है। सड़कों पर कई फीट बाढ़ का पानी भर जाने से गाड़ियों में सवार लोगों के साथ राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। जलजमाव से शहर के बाजार से लेकर जयपुर रोड के दोनों साइड लोगों के घरों में बारिश का कई फीट पानी जम गया। ये तस्वीरें नागराज इलाके की हैं, जहां हर तरफ पानी का कब्जा है। सड़कों का नामो निशान मिट गया है और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। सड़क पर आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से मची तबाही को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का फरमान सुना दिया। आसमान से लगातार कहर बरपाती विनाशकारी बारिश की वजह से शहर शहर सैलाब का सितम नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।